सो हे दोस्तों, लेटेस्ट टेक न्यूज की इस वीडियो में आपके अपने टेक चैनल गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं यहाँ पर कुछ लॉन्चेस से। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर रियलमी के रियलमी जीटी मास्टर एडिशन और उसी के साथ में रियलमी जीटी मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, जिनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पर Realme GT Master Edition के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 778G का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 64+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4300 mAh की बैटरी, जहाँ पर आपको 65 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें प्राइसिंग की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जहां पर इसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 8GB रैम, 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में, लगभग 27,000 रुपए के आसपास। वहीं पर बात की जाए यहां पर Realme GT Master Explorer Edition की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहां पर Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट, जहां पर आपको 50+16+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा और साथ ही यहां पर आपको 4500 mAh की बैटरी के साथ में 65 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात की जाए प्राइसिंग की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसका 8GB रैम, 128GB वाला वेरिएंट है वो लॉन्च किया गया अराउंड 34,000 रुपीज के आसपास में। दोस्तों काफी कमाल के स्मार्टफोन से और काफी कमाल की स्पेसिफिकेशन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और वैसे ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्मार्टफोन इंडिया की Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्ट हो चुके हैं, जिसका मतलब दोस्तों कि बहुत जल्द ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की दोस्तों, और फाइनली गाइज यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी M21 2021 एडिशन भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ नया नहीं दिया गया, खाली डिजाइन में थोड़ा सा फर्क देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आपको यहाँ पर अब कम देखने को मिल जाएगी। पहले जो M21 था दोस्तों, उसकी प्राइसिंग आपको 14,999 रुपए देखने को मिलती थी, लेकिन अब का जो स्मार्टफोन है गाइज, ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 12,499 रुपए की प्राइस पर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नया वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा और साथ ही अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं, तो अब आप इसे Amazon से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर Infinix ने भी अपने Infinix Hot 10 Play के एक और नए वेरिएंट को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको 4GB रैम, 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में देखने को मिलता था 8,499 रुपए की प्राइस पर, जिसकी प्राइस बढ़ा करके अब यहाँ पर 9,000 रुपए कर दी गई है। अब इसका एक और नया सस्ता वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर 3GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,999 रुपए की प्राइस पर। और फिर से बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग की, तो सैमसंग ने अभी हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी A22 5G स्मार्टफोन को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया था। सो गाइस, अभी जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर भी आपको फ्राइडे के दिन लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको 11 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे। इसकी इंडियन प्राइसिंग भी लीक हो चुकी थी दोस्तों, और ये स्मार्टफोन आपको 19,999 रुपए की प्राइस पर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप यहाँ पर सैमसंग की तरफ से 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आप इस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको बस दो ही दिन में इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि Xiaomi बहुत जल्द अपने कुछ नए स्मार्टफोन्स और साथ ही कुछ नए टैबलेट्स को चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है, जहां पर Mi Mix 4 और CC सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होंगे उनकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दोस्तों यहां पर लीक हो चुकी थी 3C सर्टिफिकेशन पे, जहां पर आपको 120 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग और साथ ही 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिला था। सो गाइस, अब यहां पर Mi Pad 5 सीरीज भी 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन की माने दोस्तों, तो यहाँ पर Mi Pad 5 सीरीज के अंदर भी आपको यहाँ पर 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर एक ऐसा भी टैबलेट होगा जहाँ पर आपको सिर्फ 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यार Mi Pad 5 ये वाला जो टैबलेट होने वाला है, ये टैबलेट मलेशिया की सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी सर्टिफाई हो चुका है, जिसका मतलब कि बहुत ही जल्द ये सारे के सारे स्मार्टफोन और ये टैबलेट आपको ग्लोबल और एशियन मार्केट में अब देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Xiaomi के अपकमिंग MIUI 13 की। जी दोस्तों, इसके कुछ यहाँ पर फीचर्स लीक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि यार इस बार का MIUI 13 काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको गेम प्ले के लिए फ्लोटिंग विंडो देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको नए आइकन, नए एनिमेशन, नए तरीके के टच साउंड वगैरह देखने को मिलेंगे, नए इफेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। के साथ में इस बार आपको यहाँ पर नए तरीके के फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे, और इतना ही नहीं, इस बार आपको यहाँ पर नई मेमोरी फ्यूजन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर माइक्रो मैक्स की दोस्तों, और माइक्रो मैक्स ने फाइनली यहाँ पर एक ऑफिशियल ट्वीट कर दिया है, और इस ट्वीट के अनुसार दोस्तों 30 जुलाई को इंडिया के अंदर माइक्रो मैक्स अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपके यहाँ पर काफी अच्छी और जबरदस्त स्पीड देखने को मिलने वाली है। स्पीड से मतलब ये है नहीं दोस्तों कि यहाँ पर 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बल्कि एक बजट रेंज का स्मार्टफोन होगा, जहाँ पर आपको काफी अच्छा चिपसेट देखने को मिलने वाला है।
चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नोकिया की। और दोस्तों नोकिया की न्यूज काफी लंबे समय के बाद आई है। जी हाँ दोस्तों, नोकिया बहुत जल्द जी सीरीज के अंदर अपना एक और नया स्मार्टफोन लेकर के आने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि नोकिया का जी सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के दोस्तों ये जो स्मार्टफोन ये कुछ ब्रिटिश वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है जहां पर इसकी जो प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइसिंग में तो ये अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर 21,000 रुपए। तो नोकिया का ये 5G स्मार्टफोन भी आपको बहुत जल्द मार्केट में देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi की। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर Redmi ने अपने Redmi Buds 3 Pro को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग देखने को मिलेगी वो अराउंड आपको लेगी यहाँ पर $60, यानी दोस्तों इसे इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 4,400 रुपए के आसपास। फ्रेंड्स ये जो बर्ड्स है आपको कैसे देखने को मिलते हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यही बर्ड्स आपको बहुत जल्द एज अ पोगो पॉप बर्ड्स करके इंडिया के अंदर भी अब बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं की। तो दोस्तों कुछ नहीं भी अपने पहले TWS-1 को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है जो कि आपको 27 जुलाई को देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नथिंग ने कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक कर दी है, जैसे कि यहाँ पर आपको 570mAh की बैटरी देखने को मिलेगी इसके चार्जिंग केस में। साथ ही यहाँ पर आपको 36 घंटे तक का बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर इसके ANC फीचर्स को बंद कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको USB टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर OnePlus Nord 2 की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन कल इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर OnePlus ने खुद कंफर्मेशन दे दी दोस्तों कि स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 65 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इससे पहले काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि यार स्मार्टफोन के अंदर आपको 33 वॉट तक की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस अब यहाँ पर OnePlus ने खुद ऑफिशियल तौर पर ये कंफर्मेशन दे दी है। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर हुआवे की दोस्तों। तो हुआवे भी बहुत जल्द अपनी P50 सीरीज को चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हुआवे P50, P50 Pro और P50 Pro Plus इन तीनों की तीनों स्मार्टफोन्स की पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हुआवे P50 Pro और P50 Pro Plus इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर Kirin का 9000 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इस पर बात की जाए यहाँ पर हुआवे के P50 स्मार्टफोन की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के लिए Qualcomm Snapdragon 888 का 4G चिपसेट और साथ ही चाइना मार्केट के अंदर आपको यहाँ पर Kirin का ही 9000E वाला 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। इसकी जो बाकी अदर स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह है दोस्तों वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही ये जो स्मार्टफोन है ये आपको कैसा देखने को मिलेगा वो भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। साथ ही फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की। और आखिरी न्यूज है यहाँ पर Redmi की तरफ से। और गाइस Redmi बहुत जल्द अपना एक और नया 5G स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों इसका जो नाम है वो यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ लेकिन इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर सामने आ चुका है। बात करें मॉडल नंबर की तो वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 2107113SG। जी गाइस ये जो स्मार्टफोन होगा ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होगा। साथ ही यहाँ पर आपको NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं ये स्मार्टफोन आपको MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है और इसके जो 5G बैंड्स होंगे वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही ये स्मार्टफोन FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर सर्टिफाई भी हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बहुत जल्द ये जो स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन भी आपको ग्लोबल और साथ ही साथ इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स आई होप दोस्तों आप सभी को आज की टेक न्यूज पसंद आई होगी। तो यार लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा और उसी के साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।